लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जो लेटी हुई है वो किसकी बहन है? वो नलनी की नौकरानी है फुकट। मैंने उसे मरने के समय वचन दिया था कि लता की देखभाल मैं करूंगी। समझा, नौकरानी की भी देखभाल का वचन दे दिया होगा। मालकिन, उनके घर में कोई कुत्ता बिल्ली? आते ही हम उनका कुत्ता बिल्ली बनाए दिए रहा। फुकट, आप कुछ खाना वाना बनाएंगी या तेरे होते हुए माजी को चूल्हा फूकना पड़ेगा? सोई नहीं यार, हम उनका तो एक ही काम रहा लता बिटिया के समारे का। अच्छा अच्छा, तुम उसी की देखभाल करो राम प्यारी। फुकट, तुम अपना काम करो, तब तक राम प्यारी बच्चों को नाश्ता करा देगी। रेखा, जा तो बेटी, जल्दी से लता को बुला ला। दोनों बहनें मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर लेना। हाँ, जाओ। शंकर, मालूम है आज छुट्टी है, मेरी बहन लता भी आई हुई है, वो देखो वो रही। आज हम लोग सब लोग खेलेंगे, खूब खेलेंगे। नहीं रेखा, आज मैं कानपुर जा रहा हूँ बाबूजी के साथ। तो फिर जल्दी वापस आओगे ना? नहीं, बाबूजी कहते थे वहीं के स्कूल में पढ़ना। तो मुझे वहाँ याद करोगे ना? और तुम भी मुझे याद करोगे ना? बुद्धू कहीं का, मैं तो जब भी कान को हाथ लगाऊंगी फौरन याद आ जाओगे। ये देखो कानपुर। अच्छा, ये लो, मैं जाता हूँ। शंकर, मामा। शंकर बेटे, मामा। लो, तुम कानपुर जा रहे हो और हमें पता तक नहीं। तुमने हमको क्यों नहीं बताया? बदमाश कहीं के। देखो, तुम्हारे पिताजी टांगे में बैठे हुए हैं। चलो चलो चले। नहीं मामा, ऐसे नहीं, वैसे ले चलो। वैसे वैसे कैसे बेटे? ओ, एक टांगा बाहर और घोड़ा अंदर, शाबाश। अच्छा बैठो घोड़े पे। मुझे ये दो, नहीं दूंगी, जा, ये मेरा है, मुझे शंकर ने दिया है। मैं ये लूंगी, नहीं दूंगी, तुझे चाहिए तो मेरा ले ले। नहीं, मैं ये लूंगी, ये लूंगी। जा, मैं नहीं दूंगी तुझे। मजा आ गया, मुझे आ गया। कहाँ होगा वो बिटिया? कहाँ बात है? कहाँ ही रोबोट है? बता तो सही, तो का कौन मारा? वो का हाथ तोड़ गई। वो मुझे खिलौना नहीं देती। दूसरा वो ले लो ना। हाँ बिटुआ, अब तो तोके दूसरे के खिलौने से खेले का लागी,
जो टूट फूट जाए सो तुहार खातिर। हे राम, बिना माँ के बालक की का दशा होता है। अब किस चीज की कमी पड़ गई इसे? खबरदार, जो इसे बिना माँ की बच्ची कहा, मैं इसकी माँ हूं। क्या चाहिए तुझे लता बेटी? मुझे खिलौना चाहिए। खिलौना? आ मैं तुझे देती हूँ। नहीं, मुझे यही चाहिए। यही चाहिए? अच्छा बेटी, दे देना अपनी बहन को खिलौना। नहीं, ये मुझे शंकर ने दिया है। तो क्या हुआ बेटी, दे देना। तू तो अच्छी बेटी है ना, पहले अपनी छोटी बहन को खेल लेने दे, फिर तू खेल लेना। हाँ, दे देना। मेरी कितनी अच्छी बेटी, रानी बेटी मेरी। दे दे बेटी, दे दे। हाँ, शाबाश। शाबाश बिटिया, बहुत सियानपन किए हो, ऐसा ही करत जाओ। हट किए बिन तो का ना मिली कुछ। अपनी बिटिया को छोड़ तू का काम दे सीधे स्वभाव। अरे क्या क्या, जिद करी हो तो सुख पाई हो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या तोड़ रही हो लता? अपना सर, हजार बार कहा कि ये पुराना ड्रेसिंग टेबल मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। अब तो नया ला दोगे ना? नया तो अब भी नहीं आएगा लता। क्यों? मैंने मांगा इसलिए? नहीं, क्योंकि हम खरीद नहीं सकते। एक नया ड्रेसिंग टेबल भी नहीं खरीद सकते? एक आईना तक नहीं खरीद सकते लता। हमारे हाथ में पैसा नहीं रहा, सिर्फ लकीरें रह गई। अगर तुम्हें नहीं चाहिए था तो मुझे दे देती, या मेरे वाला तू ले लेती। तोड़ने की क्या जरूरत थी? वो भी तो ऐसा ही है। पर मैं तोड़ तो नहीं देती लता। अब तो समझदार हो गई है, बड़ी हो गई है। अगर कोई भी चीज चलाना चाहो तो बहुत दिन तक चल सकती है। निभा करना सीखो लता, तबाह करना नहीं। क्या हुआ रेखा, क्या चीज टूट गई? टूट नहीं गई माँ, लता ने तोड़ दी। कहती है ड्रेसिंग टेबल पुराना हो गया है। पुराना तो है ना बेटी? पुराना हो गया तो क्या उसे तोड़ देना चाहिए? वो तो पगली है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो क्या ये अच्छी आदत है, हर चीज की तोड़फोड़, हर चीज की तोड़फोड़? आखिर इसका नतीजा क्या होगा? देख रेखा, तेरी सगी बहन होती तो तू लड़ भी सकती थी, झगड़ भी सकती थी। पराये को अपना बनाओ तो बहुत कुछ त्यागना पड़ता है रेखा। देख बेटी, सूरज क्या अपनी धूप अपने पास रख लेता है, बादल क्या अपना पानी आप पी लेते हैं, पेड़ क्या अपनी छाया में आप बैठते हैं। बेटी, अपना सब कुछ देकर दूसरों को सुख मिले तो समझो बहुत कुछ मिला तुम्हें। मां, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। आ गया जादुई काजल वाला, चूड़ी वाला, जादुई काजल वाला। जो सदमी एक डिबिया काजल की रहेगी उसे एक जोड़ा चूड़ी का मुफ्त दिया जाएगा। जरा बड़ा साइज की भी चूड़ी बता भैया। बड़ा साइज की? भाई माफ करना, तुम्हारे साइज की चूड़ी मेरे पास नहीं है, पुराना मानना। काहे काजल वाली, का तुम्हारा काजल सच्ची का जादू दिखा देगा? हाँ हाँ, लगा के देखो। अरे रात को लगाओ तो सूर्य नजर आए, और दिन को लगाओ तो तारे नजर आए। लैला ने लगाया था तो मजनू अंधा हो गया, शीरी ने लगाया था तो फरहाद गंदा हो गया। क्या बात है। हाँ? तो एक हुआ काजल की डिबिया हमें भी दे दो। तो तुम्हें चूड़ी नहीं चाहिए? ना। तो तुम्हारे लिए काजल की डिबिया मुफ्त है। तुम्हारा नाम क्या है? हमरो नाम तो मिश्री है, मिश्री। मिश्री? हाँ। कितना मीठा नाम है। मक्खन भैया,
अरे तू ये मिस्त्री का धंधा करके शुरू कर दिया? भैया मैं आंखों का काजल और औरतों के हाथों की चूड़ियां बेच रहा हूँ। माताजी ने कहा था कि लड़की हंसी के फंसी। सत्यानाश, धंधा चौपट हो गया। अरे घबरा नहीं, घबरा नहीं। अरे गिरते हैं शायद सवार मैदान जंग में, समझे क्या? सुन घर आ जाना। I'm sorry. दो टिकट फोर्ड। एक टिकट फोर्ड। मैंने कहा दो टिकट फोर्ड। मैंने कहा एक टिकट फोर्ड। हम दो हैं। पहले आप फैसला कर लीजिए। क्या मतलब है आपका? वही जो मैंने कहा, दो टिकट फोर्ड। आप कौन होते हैं मेरे पैसे देने वाले? ओहो, आपने ये कैसे समझ लिया कि दूसरी टिकट मैं आपके लिए ले रहा हूँ? मेरा पीछे दोस्त खड़ा है, सुधीर। Yes. क्या बात है भाई? दूसरी टिकट मैं इसके लिए ले रहा हूँ। खैर अगर आप कहें तो तीसरी ले लूं। एक टिकट फोर्ड लेना भाई। दो टिकट फोर्ड अच्छी रही ना? ढीठ कहीं का, बड़े रोमियो बने फिरते हैं। अच्छा दीदी, तू तो कहती थी कि वो तो बड़ा खूबसूरत था, तो उससे क्या होता है? अरे होता क्यों नहीं दीदी, तेरी कसम, अगर आदमी खूबसूरत हो तो लड़ाई करने में बड़ा मजा आता है। डोंट बी सिली लता। ओ दीदी सिली विली कुछ नहीं, खूबसूरत तस्वीर से नजर नहीं भरती। हाँ अगर आदमी खूबसूरत हो तो बस क्या बताऊं दीदी। अरे माँ जी बुलाएं है तुम दोनों का, कोई मेहमान आ रहा है। मैं कोई इनाम का कप हूँ, जो कोई आए दिखा, मैं नहीं आती। ए दीदी तू जाना? हाँ मुझे जाना पड़ेगा, न जाने इस वक्त कौन माथा मारने आ गया। आओ आओ बेटी आओ। अरे आप यहाँ? जी हाँ, आप जहाँ मैं वहाँ। ये मेहरबानी महंगी पड़ेगी। महंगी क्यों पड़ेगी? जी नहीं, मेरे लिए तकलीफ की कोई बात नहीं, मैं तो चाय तक नहीं पीता। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी कुछ तो खातिर करनी ही होगी। इनकी तो बहुत अच्छी तरह खातिर करनी पड़ेगी माँ, तुम इन्हें नहीं जानती। अरे तूने इसे पहचाना नहीं? मैं इन्हें खूब अच्छी तरह पहचानती हूँ। और आप मुझे भूल भी कैसे सकती हैं? शर्म नहीं आती आपको? जी। अरे बेटा तूने इसे पहचाना नहीं, ये तो अपना शंकर है। शंकर डॉक्टर बन गया है अब तो। शंकर? जी हाँ शंकर। कितना प्यार था तुम दोनों में, कहा करती थी कानपुर चलो कानपुर चलो, भूल गई क्या सब? शंकर। माँ जी ये तो अभी तक फोर्ड भी नहीं भूली होगी। ये फोर्ड क्या मुसीबत है भाई? माँ जी फोर्ड, माँ जी वो खेल था हम दोनों का, रेखा को बहुत पसंद था, दो टिकट फोर्ड। अरे तू चल कहाँ दी? लता कहाँ है? सो गई है माँ। इतनी जल्दी? अच्छा माँ जी मैं भी चलूँ, काफी देर हो गई। अच्छा बेटा अब तुम यही हो तो जल्दी जल्दी मिलने आ जाया कीजो। हाँ माँ जी। जीते रहो। भूल गई?
बस मैं कैसे पहचानती, बड़े चुप हो गए हो। उसने आपको कभी आईने में देखा? कल का बुधवार जितना बड़ा डॉक्टर बन जाएगा ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अब अगर सपने देखोगी तो बहुत कुछ सोच सकोगी। पुत्तु कहीं के? कहीं का नहीं, यहीं का। Yeah!
नहीं देती कि मैं शंकर हूँ तो मामा मेरा सर फोड़ दे। अब तो भी छेड़ोगे? बैठ। अरे खड़े खड़े क्या देख रही हो? इनसे मिलो। आप है डॉक्टर शंकर? डॉक्टर किसे देखने आए हैं? जी अगर डॉक्टर घर का हो तो क्या सारा घर बीमार हो जाता है? ये तो अपने घर के ही आदमी है, आओ। हम बचपन में इकट्ठा खेला करते थे, मिलो। नमस्ते। नमस्ते। आपका परिचय? ये मेरी बहन है लता, जानते नहीं? जी नहीं। अरे हाँ, जब तुम कानपुर गए थे ना तभी आई थी। अब तो जान गए आप? जी हाँ जान तो गया हूँ, मगर पहचानने में तो वक्त लगता है। डॉक्टरों को लगता होगा, आर्टिस्टों को नहीं। जी आप? बड़ी अच्छी कलाकार है मेरी बहन, इतना अच्छा डांस करती है, इतना अच्छा डांस करती है, सच कहती हूँ। आप अगर हमारे बैले में काम करें तो बड़ा मजा आएगा, मुझे तो आप जैसे पार्टनर की तलाश थी। जी मैं डॉक्टर हूँ, एक्टर नहीं हूँ। क्या कहते हैं आप, एक्टिंग तो आप जैसे खूबसूरत आदमी के गुलाम होती है। जी? अच्छा दीदी मैं चलती हूँ, इनसे बात जरूर पक्की कर लेना। अच्छा बाय बाय। बैठो शंकर, बैठो। जादू का काजल फोकट की चूड़िया, जादू का काजल दस मार गुड़िया। जादू का काजल को धंधा शुरू कर दो, चैन से बैठे तो नहीं बनेगा। अरे मिश्री चैन से तो मैं माँ की गोद में भी नहीं बैठा था। तुम आओ धंधो कैसे चलेगा? धंधा? अरे धंधा तो बड़ा जोरदार चल रहा है, लेकिन क्या बताऊं मिश्री, आजकल लड़कियों ने कलाई में बजाय चूड़ियों के घड़ियां बांधना शुरू कर दिया है और आंखों में बजाय काजल के काला चश्मा लगाना शुरू कर दिया है। अच्छा ये तो बता, वो जो तू काजल की डिबिया ले गई थी उसका क्या हुआ? बात डिबिया तो हमारी मैया ने छुड़ा कर रख ली। अरे तो माँ की आंख में लगा दे, किसी ना किसी के काम तो आ जाएगा। काय जी सब चीज मैयों के लिए है, हमरो जी नहीं है का? ला हमको पहना दो ना। तुझको ये जगह कैसी है? अच्छी है। यहाँ बैठ जाएं। बैठो बैठो ना। शंकर ये तुम कहाँ ले आए? यहाँ तो पहले से भीड़ लगी हुई है। वहां नहीं? जानती हो कौन है? कौन? एक लड़का एक लड़की। और बस ये प्रेमी है। प्रेमी? इनका नाम प्रेमी है? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रेम प्यार मोहब्बत, प्रेम समझती हो ना? अरे प्रेम ही समझती? क्या होता है? प्रेम होता है प्रेम होता है। ये देखो लगता है इस बेचारे की प्रेमिका इससे रूठ गई है, तो फिर शर्मा रही होगी? शायद नई नई मुलाकात हो। नई नहीं, बहुत पुरानी मुलाकात है इनकी। कितनी पुरानी? 25 सावन। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे इस लड़के ने बताया। इस लड़की ने तुम्हें कुछ नहीं बताया?
क्या? ये कहती है कि ये लड़का बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्माता है, मुझसे प्यार करता है लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहता। सुन लीजिए अपनी तारीफ मियां, आप तो इनसे कह दो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब इससे कहो ना, जवाब दे से। क्या? कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे, मैं हाँ हाँ तुमसे नहीं करती। की गिरहा में बांध लीजिए, दुपट्टे की गिरहा में बांध लीजिए, मेरा दिल है कभी काम आएगा, मेरा दिल है कभी काम आएगा। दुपट्टे की गिरहा में बांध लीजिए, मेरा दिल है कभी काम आएगा, मेरा दिल है कभी काम आएगा। तुम हसी हो नाजनी हो, मेरे दिल में तुम ही पर्दा नशी हो, कहाँ ले जाओगी तुम ऐसी सूरत, कभी तो होगी साथी की जरूरत। मेरा दिल है इसे साथी बना लो, इसे अपनी निगाहों में छुपा लो। दुपट्टे की गिरहा में बांध लीजिए, मेरा दिल है कभी काम आएगा, मेरा दिल है कभी काम आएगा। दुपट्टे की गिरहा में बांध लीजिए, मेरा दिल है कभी काम आएगा, मेरा दिल है कभी काम आएगा। दिल से ना अपना मन बचाओ, तुम्हें मेरी कसम है पास आओ, मेरा दिल प्यार में डूबा हुआ है, तुम्हारी याद में खोया हुआ है। मेरा दिल आपसे बढ़कर हसी है, हसीनों की तरह कातिल नहीं है। दुपट्टे की गिरहा में बांध लीजिए, मेरा दिल है कभी काम आएगा, मेरा दिल है कभी काम आएगा। दुपट्टे की गिरहा में बांध लीजिए, मेरा दिल है कभी काम आएगा, मेरा दिल है कभी काम आएगा। तक है ये सारे झमेले, न होंगे आशिकों के फिर ये मिले। करेगी ये उम्र जब बेवफाई, चुरा लेगी नजर सारी खुदाई। मेरा दिल ही तुम्हें देगा सहारा, बनेगा ये ही तूफान में किनारा।
दुपट्टे की गिरहा में बांध लीजिए, मेरा दिल है कभी काम आएगा, मेरा दिल है कभी काम आएगा। दुपट्टे की गिरहा में बांध लीजिए, मेरा दिल है कभी काम आएगा, मेरा दिल है कभी काम आएगा। देख रही है तुम्हारी राह देख रही थी दीदी, और क्या देखूंगी? तूने अभी तक खाना नहीं खाया? तुम्हारे बिना खाया है कभी? मुझे देर हो गई लता, जा तू टेबल पे बैठ जा, मैं भी आती हूँ, मुझे समय का ध्यान नहीं रहा। हाँ दीदी, जब दिन लग जाता है तो समय का ख्याल ही नहीं रहता। क्या मतलब? कुछ नहीं दीदी, सोच रही थी आज कार छोड़नी आई है, कल जाने कौन आएगा। लता बात करने से पहले सोच लेना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है शंकर अपने घर के आदमी हैं, और वो मुझे यहाँ पहुँचाने आए थे। अरे 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 दीदी, वो डॉक्टर शंकर थे, मुझे तो मालूम नहीं था। मेरी अच्छी दीदी, मैं तो उसी राह पे चलना चाहती हूँ जिस राह पे तुम चलती हो। अच्छा बात तो सुनो, क्या तुमने डॉक्टर शंकर को पूछा हमारे बैले में काम करने के लिए? अब मिलूंगी तो कह दूंगी। ओ दीदी सुनो तो सही, आई एम सॉरी। अच्छा उनको मना लोगे ना? हाँ हाँ मना लूंगी। हाँ मना लूंगी, तू टेबल पर बैठ जाकर, मैं भी आती हूँ। अच्छा मेरी अच्छी दीदी, मेरी अच्छी दीदी, अच्छी दीदी, अच्छी दीदी। नमस्ते माँ जी। आओ आओ डॉक्टर बेटे। आई डॉक्टर बन के नहीं, बेटा बनकर आया। ये तो बड़ी खुशी की बात है, कहो। कह तो दिया माँ जी। बेटा उम्र के साथ साथ नजर और अपने दोनों मोटी हो जाती है, मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। माँ जी आप बचपन से मुझे बेटा कहती आई, मेरी अभिलाषा है कि आप मुझे सदा के लिए अपना बेटा बना दें। सदा के लिए बेटा मानो? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं मानूंगी, जरूर मानूंगी। तुम जैसा बेटा मिले तो माँ के तो भाग्य ही खुल गए ना। ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें शगुन दूँ। लो बेटा, बेटा मुझ गरीब के पास बेटी के धन के सिवा और कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ रस्म पूरा कर रही हूँ। लो लो बेटा। माँ जी भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। ये क्या बना है? नई जिंदगी की तस्वीर। रेत की बनी हुई है, एक लहर के साथ मिट जाएगी। फिर बना लूंगी तो फिर मिट जाएगी। जो तस्वीर दिल में बनी हुई है उसे तो लहर नहीं मिटा सकती। देखो कैसा बना है। रेत का? ये तो सिर्फ नक्शा है। रहने के लिए ऐसा घर बनाऊंगी, ऐसा घर बनाऊंगी कि तुम खुशी के मारे झूम उठोगे। जिसमें सुख शांति का बसेरा होगा, प्यार का घेरौंदा, कोने कोने से खुशियों के नगमे गूंजेंगे, हर तरफ से हमारे प्यार की महक उठेगी, और
ये देखो, ये है हमारा ड्राइंग रूम, वो है हमारा डाइनिंग रूम, पैंट्री, किचन। यहाँ मैं बैठकर खाना बनाऊंगी। जब तुम काम से आओगे तो मैं तुम्हें खाना पका के खिलाऊंगी, उसी वक्त गरम गरम। तब तक मैं बाहर खड़ा रहूंगा। ओहो डॉक्टर साहब, मोहब्बत कोई मेडिसिन नहीं, समझे? तुम जब आओगे तो मैं तुम्हें जोर से आवाज देकर पुकारूंगी। कैसे? मैंने कहा जी। हाँ जी। खाना तैयार है, जल्दी तशरीफ लाइए। फिर मैंने बुलाया और तुम आए, अब दिल चाहे क्या, आओ तुम्हें पलकों में रख लूं, सच कर लूं सपना। रेखा, तुमने अभी जो कुछ कहा ना, अगर इसे गाकर सुनाओ तो मेरी समझ में भी आए। मैं और गा के सुनाओ? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, यूं ही सुनाती हूँ। सोच। नहीं सुनाऊंगी। अरे यहाँ कब से बैठ रही? संयम से। इंतजार का एक एक पल एक सदी के बराबर होता है। कोई जरूरी काम है क्या? आपको फुर्सती कहाँ है इस मरीज का इलाज करने? क्या मर्ज है तुम्हें? डॉक्टर, दिल शाम से डूबा जाता है, रात आएगी तो क्या होगा? माफ करना लता, इस मर्ज का मेरे पास कोई इलाज नहीं। तो मैं क्या करूँ? अच्छा होगा तुम इस वक्त घर चल जाओ। घर आए मेहमान का ये मान? डॉक्टर, हमारे घर में तो हमने आपको ऐसे कभी नहीं कहा। ये सब क्या है? ओ डॉक्टर, एक्टिंग एक्टिंग। दो दिन के बाद ड्रामा होने वाला है, आपको तो रिहर्सल की फुर्सत ही नहीं, सोचा मैं ही जाकर कह दूं। डॉक्टर बाय बाय, फिर मिलेंगे। नजर मिलके शर्मा रही है, हर एक राज झुक कर कह जा रही है। नजर से नजर मिलके शर्मा रही है,
हर एक राज झुक कर कहे जा रही है। के रोके नहीं रुकेगा के ये बहारों का कारवां है। गगन के चंदा न पूछ हमसे कहाँ हूँ मैं दिल मेरा कहाँ है। गगन के चंदा जो गीत हम गा रहे हैं वही आज तारे भी दोहरा रहे हैं दोहरा रहे हैं। जवां है दिल जिंदगी जवां है जवां जमीन आसमां जवां है। गगन के चंदा न पूछ हमसे कहाँ हूँ मैं दिल मेरा तुम अब रहे तुम न हम अब रहे हम दिलो जान से आज एक हो गए हम। न तुम अब रहे तुम न हम अब रहे हम दिलो जान से आज एक हो गए हम। नई ये दुनिया नया जहां है। गगन के चंदा न पूछ हमसे कहाँ हूँ मैं दिल मेरा कहाँ है। गगन के चंदा नहीं मारा अभी तक? जी नहीं। ले मैं बाहर जा रहा हूँ, हाँ कमरा अच्छी तरह से साफ कर देना। जी। अरे जी नहीं बच्चे, तू मेरा नौकर है। बोल जी हुजूर। जी हुजूर। हाँ, क्या बात? जी हुजूर। ये गया और वो आएगी, कहीं फिर बीच में फोकट लाल आ गया तो अपनी बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। हे बजरंग बली हनुमान जी महाराज, इस दुखियारे की इज्जत तुम्हारे हाथ है महाराज। महाराज जय बजरंग बली, जय बजरंग। कौन है? हम हैं मिस्त्री। मिस्त्री? मिस्त्री? कहाँ हम अंदर आई सके थे? धरो। उइना। जो क्या करो तुम?
मैंने मन में सोचा था कि लड़की जब पहली बार घर पर आए तो मैं दरवाजे पर शगुन कर दूंगा, कड़की निकल जाएगी और मैं शादी कर लूंगा। आओ आओ ना, आओ 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 आओ, बैठो बैठो। काहे जी, जो घर है कौन को? फोकट का। फोकट का? मेरा मतलब है ऑनरशिप का, ऑनरशिप का। ऑनर तो रहता है, आज शिप भी आ गई है, अब तुम अपना लंगर यहीं डाल दो। सो तो ठीक है, पर तुमने तो हमें काजल देवी को बुलाओ हो तो। अच्छी काजल क्या है, तुम जान मांगो तो वो भी दे दू। नहीं, काजल ही चाहिए। ना जाने का जादू है तुम्हारे काम रूप काजल में। जाने तो एक दिन हमारी मैयों ने लगा लो हो तो बाबूजी के साथ को 7 साल को झगड़ो मिट गो। उनका झगड़ा तो मिट गया, अब अपना झगड़ा भी मिटा दो। आओ दो दो प्यार की बातें ही करें। हमको जा बात तुम्हारी अच्छी नहीं लगी। काजल देवे को बुलाओ हो तो और इसे प्यार की बात करो तो हम अब भी जाते हैं थाने में। रुक जा, रुक जाओ थाने वाली, रुक जा। मैं तो कैदी तेरी जुल्फों का, मैं तो कैदी तेरी जुल्फों का। हाय दिया, नजरों में तेरी काजल सही, आदमी काला नहीं मैं दिल का, आदमी काला नहीं मैं दिल का। काई जी, जो का सलीमा का गीत है का? हमको सलीमा का गीत बहुत अच्छा लगा था, तुमको और आत है का? अरे आत क्या है, हम तो सलीमा में खुद गावता है। का कही, तुम सलीमा में खुद गात हो? फिर वो जो काजल चूड़ी? अरे वो तो मेरा साइड बिजनेस है, समझी? मैं तुझे अपना घर दिखाऊं। इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये देख, ये अपना किचन है, देखा? इधर आ, इधर आ। और ये देख, ये अपना बेडरूम है, समझी? और देख, वो अपना ड्राइंग रूम है। ओ मखान के बच्चे, ये कहां से आ गया? आ मिस्त्री, मैं तुझे अपना गार्डन दिखाऊं। ये लो झाड़ू जी। अरे जी जी हुजूर कहो। और सुनो, हमारे आने तक ये कमरा साफ होना चाहिए, समझे? ये मेरा नौकर है, आओ मैं तुम्हें गार्डन दिखाऊं। आ जा, मक्खन। यू रोने धोने से का हाथ आएगा बिटिया? जी छोड़ने वाले की जीत ना ही होत, और फिर तो हार भाग में तो हट करके ही लेना लिखा है, वो चाहे खिलौना हो और चाहे सिलौना। सुन बिटिया, चाल डालने से तो शेर भी फंस जाता है, शंकर कैसे नहीं फंसेगा? और फिर मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, तू काहे घबरात है? अरे लता, तू अभी तक बैठी है? माँ बाजार जाने के लिए तेरे इंतजार कर रही है, चल उठ। अरे का बताई बिटिया, लता बिटिया का तो जी ही ठिकाने नहीं। तुम दोनों जल्दी जल्दी जावा, सारे दहेज का सामान खरीदना आसान है का? हम यहीं ठहरी लता बिटिया के साथ। अरे आवा ना डाकघर बाबू, आवा। लता बिटिया, नाड़ी दिखावा ना डाकघर बाबू का। अरे दिखावा ना हाथ। क्या हुआ लता? बड़ी नाजुक जान पाई है लता बिटिया ने, हम आए थे। तुम बिल्कुल ठीक हो लता, दिमागी थकान हो गई, आराम कर लो, ठीक हो जाओ। शंकर, हाथ पकड़ के भी दिल का हाल नहीं जान सके? लता, तुम्हारी बात का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। दरवाजा क्यों बंद किया? राम प्यारी, दरवाजा क्यों बंद किया? राम प्यारी, राम प्यारी, राम प्यारी। कुछ फायदा नहीं है डॉक्टर, दरवाजा ऐसे खुलने वाला नहीं। वजह? असल में बात ये है शंकर, अब ये दरवाजा जैम हो गया है, इस तरह तो पहले भी हुआ था, अब तो दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई बाहर से धक्का दे। आओ तब तक यहाँ पे बैठो। नहीं,
मुझे जाना है। चले फिर जाना, इतनी भी क्या जल्दी। राम प्यारी आकर दरवाजा खोल दे। लेकिन ये राम प्यारी कहां मर गई? रेखा बिटिया नहीं आई? नहीं, वो और फोकट दुकान दुकान झांकने में लगे। मुझे तो घबराहट से होने लगी, बाजार की भीड़ भाड़ से मतली से होने लगी। मैं तो चली आई। अच्छा किया माँ जी, बहुत अच्छा किया। लता बिटिया की तबीयत कैसी है? कोई डॉक्टर साहब आए ना है? डॉक्टर? हमार तो कुछ समझ में नहीं आई था माँ जी, आते के साथ दरवाजा बंद करके बैठी हुई है लता बिटिया के साथ। ये कौन है? अच्छी रीत नहीं माँ जी, दोनों जवान जहान है और फिर लड़की के कमरे का दरवाजा बंद करी का मतलब हमारा तो माथा घूम गवा है। क्या बात बता रही शंकर, दरवाजा बंद करके बैठा है। तुमने खेल समझा था, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ड्रामा था, लेकिन वही एक रात का खेल मेरी पूरी जिंदगी का ड्रामा बन गया। शंकर, तुमने विश्वामित्र बन के सारी आग लगाई, ना मैं मेनका बनती ना ही दिन देखती। अब मैं अपना दुख किसे सुनाऊं, किसे दिखाऊं? तुमने अपना हाल सुनाया, तुमने भी मुझे ठुकरा दिया, तुमने मेरे जीवन का सर्वनाश कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लता लता, तुमने से कोई फायदा नहीं शंकर, कोई फायदा नहीं। आप कुछ गलत मत सोचिए माँ जी, लता झूठ कह रही माँ जी, वो झूठी है माँ जी। आप मेरी बात, माँ जी आप मेरी बात सुनिए, वो झूठी है माँ जी। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए माँ जी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, दरवाजा खोलिए माँ जी। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया माँ जी? माँ जी, माँ तुम धीरज रखो माँ, दीदी मेरी मेरी बहन है, उसके लिए मैं हर किस्म की कुर्बानी करने के लिए तैयार हूँ। उसके उसके एक पल के सुख के लिए मैं जिंदगी भर दुख उठाने के लिए तैयार हूँ। माँ जिंदगी भर दुख उठाने के लिए तैयार हूँ। बेटी, रेखा तेरा हक तो उसे जान बुझ कर छीलेगी, इस पर विश्वास करने से पहले भगवान मुझे मौत दे दे। रेखा का मन इतना मलिन हो सकता है? जानने से पहले मैं मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ। माँ को दवा की जरूरत नहीं, मन की शांति की जरूरत है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ रेखा, अगर माँ जी मेरी बात सुन लेती तो सब कुछ जान जाती। तुम तो जानते हो शंकर, माँ लता को जान से ज्यादा चाहती है, उसकी हर बात को पूरा करना अपना फर्ज समझती है। और आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद माँ यही चाहेंगे कि चाहने और सपने देखने से सच्चाई नहीं बदलती रेखा। सच्चाई ये है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते। वो भूल जाओ शंकर। रेखा, शंकर, शंकर माँ को ये विश्वास नहीं होना चाहिए,
कि मैंने लता का हक छीन लिया है। तुम उसे प्यार करते हो ना? अगर तुम उसे सचमुच प्यार करते हो तो तुम लता से शादी कर लो। तुम्हारे वो ठिकाने नहीं देखा, लता की खुशी के लिए अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। मेरे जीवन के साथी तुम, लता कभी नहीं बन सकती। भगवान के लिए ऐसा ना कहो शंकर। अगर तुम लता से शंकर होकर शादी नहीं कर सकते तो डॉक्टर होकर तो कर सकते हो ना? नहीं रेखा, नहीं। शंकर तुम डॉक्टर हो, मरीज की जान को बचाना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारी आंखों के सामने मेरी मां दम तोड़ दे तो तुम उसे बचाने की कोशिश नहीं करोगे? शंकर अपने पास दवा रखकर इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते। रेखा, डॉक्टर साहब जल्दी से ऊपर आइए, माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। शंकर माँ की जिंदगी तुम्हारे हाथ में, वादा करो कि तुम मेरी माँ की जिंदगी को बचा लोगे। तुम्हारी सिर्फ एक हाथ से माँ की जिंदगी बच सकती है शंकर, सिर्फ एक हाथ से। शंकर एक डॉक्टर की हैसियत से तुम्हें उन्हें बचाना ही पड़ेगा। आओ मेरे साथ। कहीं बिजली गिरी है मामा? वो तो तेरे अरमानों पे गिरी है। अपना दिया बुझाकर आप बाहर की रोशनी देख रही हो? वो रोशनी भी तो घर में आ रही है मामा। अरे क्या खाक रोशनी आ रही है? भिखारी को भीख दी जाती है। अपना जीवन, अपना सुख, अपनी खुशी, अपना सुहाग, ये सब कुछ नहीं दिया जाता है। ये बोलो मामा, बड़ी मुश्किल से माँ को नींद आई। इस तूफान में जब तेरी नींद उड़ गई तो तू क्या समझती है माँ सुख की नींद सो सकती है? मैंने उन्हीं के सुख शांति के लिए सब कुछ किया है मामा। उनका दुख दूर हो जाए और लता कोई गैर नहीं मामा, आखिर मेरी बहन तो है। जैसी बहन है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो हमेशा तुझसे छीनती रही, फिर भी उसका हाथ खाली का खाली रहा। आखिर तेरा शंकर भी तुझसे उसने छीन लिया। मैं ये पूछता हूँ, क्या वो तेरी तरह शंकर को शांति दे सकती है? शंकर को वो आनंद, वो सुख लता से मिल सकता है जो तुझसे मिलता? रेखा तू अपने आप को बर्बाद कर सकती है, लेकिन शंकर की जिंदगी बर्बाद करने का तुझे कोई अधिकार नहीं। ऐसा ना कहो मामा, भगवान उन्हें सलामत रखे, जहां रही सुखी रही, फूले फले और मेरे हिस्से का सुख भी भगवान उन्हें दे दे। तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तुम रो क्यों रही हो? मैं रो रही हूँ? नहीं मामा, देखो देखो मैं हंस रही हूँ, मैं हंस रही हूँ मामा, मैं हंस रही हूँ। कुछ हो जाए, हाय
तेरे धीरज कौन बनाए अपने अपने हुए पराए तकदीर न होती तो इतनी बेपीर न होती दिल पर इतना बोझ न होता पैरों में जंजीर न होती अपने अपने हुए पराए किस्मत ने क्या दिन दिखलाए कुछ सोचो और कुछ हो जाए हाय रे धीरज कौन बंधाए अपने अपने हुए पराए मर गई क्या? अरे नहीं दादा वो तो मेरे मन में बसी हुई है पर बुरा हो उसके पाप का वो अकड़ गया क्या हुआ? दादा लड़के ने लड़की को मनाया हाँ? लड़की ने माँ को मनाया माँ ने बाप को मनाया पर बीच में ना जाने किसने चमचा मार दिया चमचा मार दिया फिर? दादा लड़की का बाप बोला कि इस साले का तो घर द्वार नहीं है मैं इस बिन बाप के लड़के से शादी नहीं करूँगा अरे पन पगले शादी तुझसे करनी है तेरे बाप से शादी तो मुझसे ही करनी है मगर दादा मैंने सिर्फ तुम्हारे सहारे कह दिया कि जब कहो अपने बाप को दिखा दूंगा क्या कहा दादा कहीं का दादा दादा भगवान के लिए तुम ही मेरे बाप बन जाओ मैं अबे हट मैं तेरा बाप कैसे बन सकता हूँ दादा कहीं का दादा ना ना कहना मैं तबाह हो जाऊंगा बर्बाद हो जाऊंगा दुनिया में किसी काम का ना रहूंगा दादा ना ना कहो ठीक है
ये बात समझ में नहीं आती। लोग बेटा गोद लेते हैं और तू बाप गोद लेता है। देखो दादा, ना ना कहना, हाँ कह दो। अबे मैं कैसे हाँ कहूँ? कह दो हाँ दादा। कह दो? कह दो। बेटा बाप। इधर हट। कौन हुसैन? क्या चाहिए तुम्हें? जी मैम साहब, मैं डॉक्टर साहब को लेने आई हूँ। मेरी माँ की तबीयत सख्त खराब है। डॉक्टर साहब नहीं आ सकते, किसी फ्री हॉस्पिटल में अपनी माँ को दिखा। उन्होंने कहा है मेरे साथ आने के लिए। कह दिया ना। डार्लिंग, ओ डार्लिंग, ओ डार्लिंग, डार्लिंग। प्यार में ये तूफान कैसे आ गया, कुछ पता तो चले। डार्लिंग, आज मैं बहुत खुश हूँ। देखो ना, घर के लिए क्या क्या सामान लाई। कर्टन के कपड़े, डेकोरेशन का सामान और एक पियानो भी लाई हूँ। देख के तबीयत खुश हो जाएगी। तुम अपनी तबीयत खुश करो, मैं पेशेंट देखने चला। ओ डार्लिंग, कहीं तुम उस लड़की के साथ तो नहीं जा रहे हो? हाँ उसी के साथ जा रहा हूँ, कोई इतराज है? मगर शंकर, वो तो बहुत गरीब है, तुम्हारी फीस कहाँ से दे सकेगी? बीमारी अमीरी गरीबी देख कर नहीं आती, और ना ही मैं जेब देख कर इलाज करता हूँ, क्योंकि मैं अमीर बनने के लिए डॉक्टर नहीं बना। लता तुम खुद गर्दी जानती हो, हमदर्दी सीखो। नया साहब, ये सामान किधर रखेगा जी? मेरे सर पर रखो। अयो, सर जी तो बाहर गया जी। ओ शट अप। बेटे, तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद तुम्हारी माँ कर्ज लेकर घर चलाया करती थी, और लता की शादी के लिए उन्होंने खास रकम कर्ज पर ली थी। कोई बात नहीं अंकल, आप उस कर्ज को चुकाने के लिए ये मकान बेच ही डालिए। लेकिन ये मकान तू पहले ही गिरवी रख चुकी, शायद उन्होंने तुम्हें बताया नहीं, क्यों फोकट? मुझे अफसोस है बेटे, ये मकान अब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अच्छी बात है अंकल। नया मुबारक हो लता। शुक्रिया। माय कंग्रेचुलेशंस आल्सो, इट्स अ लवली हाउस। थैंक यू। लेकिन डॉक्टर साहब कहा है वो? नमस्ते। दिल में है। ओ डियर, घर में रहना चाहिए, दिल में भले रहे या न रहे। नो शारदा। एग्जैक्टली माय डियर, लव वो जो सामने नजर आए। एक्सक्यूज मी लता, लेकिन वो कहाँ है जिनके दिल में तुमने घर बसाया है? अजी वो डॉक्टर है, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, और भी तो बहुत से मरीज हैं। लेकिन हम तो यहाँ मरीज बन के नहीं आए हैं। कहाँ है वो गाना बजाना, खाना पीना, नया घर, म्यूजिक है, पेशेंट, सारी तैयारी तो कर रखी है। चलो जल्दी।
बेघर हो गई। साहूकार ने पुराने कर्जे के बदले उसका मकान ले लिया। कौन सी अजीब बात है, जिनके माँ बाप कर्ज छोड़कर मरेंगे उनकी औलाद को तो भुगत नहीं पड़ेगा। और जिनके माँ बाप नालायक औलाद छोड़कर मरते हैं वो किसे भुगतना पड़ता है? मुझ जैसे आदमियों जैसा तुम कितने एहसान फरामोश हो। तुम भी उसी घर में पली हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं तो बेशर्म हूँ, तुम बड़े शर्मदार हो। बीवी का ध्यान नहीं, माशूक का गम खाया जा रहा। खबरदार जो ऐसी बात की। क्यों, सच्ची बात चुप गई ना? तुम क्या चाहते उसके गुण गाओ, उसके लिए आंसू बहाओ? लता, तुम्हें क्या हक है उससे प्यार करने का? तुम्हें क्या हक है मेरे दिल से खेलने का? मैं ये सब नहीं कर सकती। मामा, मैंने खाना तैयार कर दिया है, खा लेना। मैं जरा बाहर जा रही हूँ। बाहर जा रही हो? कहाँ जा रही हो बेटे? वो मैंने बिंदु से कुछ काम दिलाने के लिए कहा था, उसने ट्यूशन्स का इंतजाम कर दिया है। नौकरी करेगी? पहले कभी नौकरी किया है क्या? पहले जरूरत नहीं पड़ी थी इसलिए नहीं किया, अब जरूरत है जरूर करूंगी। कोई जरूरत नहीं, मैं क्या मर गया हूँ क्या? अरे वाह, नौकरी करेगी। जी मामा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे हालात तुम्हारे लिए मुसीबत क्यों बने? आखिर तुम्हें यहाँ मिल भी क्या रहा है? अगर तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाती तो मेरे दिल से बोझ उतर जाता। अच्छा, तो तुम मुझे नौकर समझ रही हो?
तुम इतनी सी थी तो मैं सीने से लगाकर बड़ा किया, वो इसलिए कि आज तुम मुझे नौकर को। नहीं मामा नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा कहने का मतलब तो ये था कि तुम्हें किसी तरह आराम मिल जाता। अगर तुम्हें इस बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो, मगर ऐसा मत करो मामा। पगली, बड़ों को बच्चों का बोझ उठाने में सुख मिलता है। रोमेट रोमट बेटा, रोमट तुझे नौकरी करनी है ना, कर, लेकिन याद रख घर का कारोबार मेरे जिम्मे, हाँ समझी? जा चल जा। अच्छे मामा। जा जा बेटी जा। मिश्री, बाप जी की हालत खराब नजर आती है। हमारे पास पैसे हैं, हम दे देगा। मगर वो ऐसे नहीं लेंगे। चुप रहो जी, हम दे दें। क्या बुरे दिन आए, मकान है तो सामान नहीं, भगवान है तो मेहरबान नहीं। कौन है बे? अरे कौन है भाई, तशरीफ लाइए अंदर। बड़े आदमियों के बेटों को अदब से बुलाना चाहिए। अरे अरे मखत, तू यहाँ? जहाँ बाप जी वहाँ बेटा जी। अरे अरे ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? बड़े जी, जा रस्म तो पुरखों से चली आ रही है। मैयो ने कहे हो तो कि 101 रुपया ससुर जी के चरणों में रखते हो तो सुख पाइयो, नहीं तो नरक में जाइयो। वारे पुरखों, क्या रस्म बनाई है मिश्री, शाबाश, सौभाग्यवती हो। अबे मक्खन बैठ। नहीं बाप जी, जब तक इस घर में सोफा कुर्सी नहीं आएगा हम नहीं आएंगे। चल मिश्री। अच्छी बात है मिश्री, ले जाते रे मियां को गड़ा कहीं का। आप ही तो बैठे हैं बाप जी। हाँ मैं, मैं गधे का बाप? चलो कोई बात नहीं। दीदी आई बिंदु, क्या हुआ? ये बनाया मैंने दीदी, ठीक है ना? देखो ठीक है, लेकिन लेकिन तुमने ये पट्टी जो है ना टेढ़ी लगाई है, ये ऐसे। अरे तुझे तो बुखार है, और तू बुखार में काम कर रही है, चल उठ। नहीं दीदी मैं ठीक हूँ। अरे जाना कल काम करना, चल उठ। फर्नीचर आखिर आ गया, क्या बात है। मक्खन, कौन मक्खन? हाँ बाप जी। वाह भाई, बाप हो तो ऐसा हो, बेटे ने कहा फर्नीचर नहीं है तो झट से फर्नीचर मंगवा दिया, क्या बात है। अबे पगले, ये अपना फर्नीचर नहीं है, ये मालिक मकान का फर्नीचर है, उसके यहाँ जगह नहीं थी तो यहाँ ला के रख दिया। अरे बाप जी, पराया माल अपने घर में आ गया तो अपना हो गया। अबे गधे, अगर उसने ये फर्नीचर मंगाया और हम लोगों ने नहीं दिया तो हमको घर से बाहर निकाल देगा। उसके भागा राज है, निकाल देगा, कैसे निकाल देगा? क्या बकता है तू? अरे बकता नहीं बाप, सुनो, ये मकान मिश्री के बाप का है। क्या कहता है, ये मकान मिश्री के बाप का है? हाँ बैठो, सुनो सुनो बाप सुनो, और ये मकान सेल टैक्स में आया है, समझे, शादी के सेल टैक्स में आया है, और ये फर्नीचर इनकम टैक्स में आ गया, और अब तो डेथ टैक्स का इंतजार कर रहा हूँ। बुखार अभी तक नहीं उतरा, अब डॉक्टर क्यों नहीं बदल देते? कोई अच्छी डॉक्टर बुला लीजिए। अपना डॉक्टर भी बहुत अच्छा है। अगर अच्छा डॉक्टर है तो बुखार क्यों नहीं उतरता? डॉक्टर को मुंह देखने के लिए तो नहीं होता। ठीक कहा आपने, डॉक्टर तो दूसरों का मुंह। आप आइए आइए डॉक्टर साहब, आप इनकी बातों का बुरा ना मानिएगा, ये मेरी पत्नी की सहेली है, बेचारी का घर बर्बाद हो चुका है, बहुत दुखी है, यही मेरे पड़ोस में रहती है। दवाई दे। जी हाँ। आती हूँ मामा। आप? जी, कल का भोंदू जो बड़ा होकर डॉक्टर शंकर बन गया। लेकिन लेकिन मामा भी घर पर नहीं है। मैं ऐसे अंदर नहीं आ सकता। आइए।
तो ये है तुम्हारा नया घर? ये तो आप देख ही रहे हैं। और क्या हाल है? ठीक है। लता बहन कैसी है? अच्छी है। मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगे? आप बैठिए, मैं भी आती हूँ। देखो, तुम्हारे घर पहली बार आया हूँ, भूख भी जोर से लगी है, गरम गरम खाना खिला दो। डॉक्टर साहब,
रेखा यहां बैठी हो। आप खाना खा चुके हैं? तुम डरती हो? मुझसे? आपसे नहीं, दुनिया से। तुम्हें दुनिया की इतनी परवाह है, मेरी जरा भी परवाह? बना रखा है। एक बजे क्लिनिक से निकले हैं और अभी तक घर पे नहीं आए। कुछ समझ में नहीं आता कहां चले जाते हैं। अरे तू हाँ निपट अनारी हाँ। सुझाई तो हम गए है तो का, पर हमार कौन मनोरथ सिद्ध होई है इमा। बांका छैला गबरू दूल्हा बांध दिया है तो हर पल्ले का मिला हमका अंगार? क्या नहीं मिला तुम्हें? अरे रहो रहो, क्या नहीं मिला तुमका? ई तुहार उतरन पहरत है। चुप रहो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझसे ऐसी बातें करते हुए। तो का आई है कभू जो हमका आए? जौन घर पली हो बहुत नेकी की है हम संग, जो हमरे संग करी। मैं कहती हूँ खामोश हो जाओ। तुहार कहे से देख बिटिया, हमका चुप कराएगा होए तो डार 2000 रुपए हमार झोली में, हम चले जाए विश्वनाथ बाबा की घाट पे झाड़ू दे। रेखा बिटिया। ओ रेखा बिटिया, दरवाजा खोलो बेटे। वाह वाह, क्या आदमी है, फरिश्ता है फरिश्ता। ऐसे आदमी तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलते। मैं ये कहता हूं आसमान के नीचे खंबा है, अरे ऐसे आदमियों के सहारे से तो आसमान खड़ा है। देखा, सब काम छोड़कर आया, नाखून से मांस अलग होता है कभी? किसकी बात कर रहे हो मामा? कमाल है, किसकी बात कर रहे हो मामा? खाना खिलाओ तुम और बताए मामा। क्यों, डॉक्टर साहब यहाँ आए थे ना? यहाँ कोई नहीं आया।
और आएगा भी नहीं। मैं किसी से मिलना भी नहीं चाहती। रेखा, प्यार दिलों से कभी नहीं मिलता, वो बदलकर दुश्मनी हो जाता है या हमदर्द हो जाता है। तूने उसे हमदर्दी भी नहीं दी जो तेरी बात पर कुर्बान हो गया था, आज तू उसकी दुश्मन बन गई। नहीं मामा, नहीं नहीं नहीं। बता, वो माजी का उपदेश कहाँ है? आज सरोवर खुद अपना पानी पी रहा था, यही थी माजी की उपदेश, यही थी माजी की शिक्षा, बोलती क्यों नहीं? देर हो गई, आप घर जाइए, लता रास्ता देख रही होगी। रेखा, तुम किसी के मुतालिक मत सोचो, कुछ मत सोचो, प्लीज सिर्फ सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। नींद आ जाएगी मुझे, मैं सो जाऊंगी। शंकर, तुम घर जाओ, मेरे खातिर बहुत तकलीफ उठाई है तुमने। मेरी तकलीफ का मत सोचो रेखा, मैं डॉक्टर हूँ। आखिर डॉक्टर भी तो इंसान होते हैं। रेखा, याद है एक दिन डॉक्टर के नाते तुमने मुझसे कुछ करने को कहा, मैंने किया। आज एक इंसान के नाते मैं तुमसे कुछ कहूँ, मानोगे? तुम आंखें बंद करके सो जाओ, बस इतना ही करो। सोचे से का है था बिटिया, खाली पेट सोचे से तो चुन्नू भर का हो जरत है। इलो, नुकुल करो। नहीं नहीं राम करे, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये रात रात भर कहाँ रहते हैं, फिर मैं देखूंगी।
करे बूझ सके सो बूझ बुझक कर और न बूझे को रहत कहाँ हुई है अपनी लाडली ठोरे रेखा का ने और कहा नहीं नहीं वो तो वहां जाने का ख्याल भी नहीं करते अरे बात सीध हो बिटिया तुहार संग चार फेरे लिए कहूं पैर मिट जाऊ का ई दूध है ना ई दूध में लाख मिश्री घोलो रंग बदल जाइए का तुम्हारे मतलब है वो अभी भी वहां जाते हैं हाँ। मैं रेखा के यहाँ गया था क्या कहना चाहते क्यों गए थे किस लिए गए थे अपना फर्ज समझ डॉक्टर का फर्ज डॉक्टर का फर्ज ये क्यों नहीं कहते कि उसे मिले बगैर चैन नहीं आता अपने दिलबर के बहाव के बिना करार नहीं आता उसके बाद औरत को क्या कहूँ कि अपनी बहन का हक छीना चाहती उसे अपने हवस में जिसका आप लोग बहन का रिश्ता किसने का ख्याल अच्छा तो बिटिया रानी हम जाए थे सुखी रहा मुझे मजदार में छोड़कर जा रही हो राम प्यारी मेरी मदद करो मदद तो करे हमको कहाँ मिली तुम जो कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ बाकी ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है अच्छा तो लाता ही दो तो 1000 रुपया इस वक्त मेरे पास 1000 रुपये हैं और बाकी के बाद में दे दूंगी दे दियो गुड तुमने बहुत जल्द रिकवर कर लिया रेखा ये आप ही की कोशिशों का नतीजा है डॉक्टर साहब तुम्हें अभी आराम की जरूरत है मामा अब ये आपकी जिम्मेदारी रही कुछ दिनों के लिए रेखा को बिल्कुल काम नहीं करने दीजिए कैसे करने दूंगा डॉक्टर साहब मेरी तो जान मुट्ठी में आ गई थी लो डॉक्टर साहब ये चाय पियो लता यहाँ क्या करने आई हो वही जो तुमने मुझसे कहा था मेरा फर्ज दीदी दीदी लता दीदी माफ करना दीदी मैं तुम्हें देखने ना आ सकी आज सुबह ही मुझे पता चला कि तुम बीमार हो चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ नहीं बेटे हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं वाह मामा जी तकलीफ कैसे नहीं ये कोई बीमार को रखने की जगह है नहीं लता तुम आ गई यही मेरे लिए बहुत है मामा लता को चाय पिलाओ नहीं नहीं दीदी मैंने तो कसम खाई है कि जब तक तुम मेरे घर नहीं चलोगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी तुम भी कुछ कहो ना बीमार को अच्छी जगह ले जाने के लिए कुछ कहोगे नहीं हाँ रेखा मैं इतना जरूर कहूंगा उस घर में ज्यादा आराम मिलेगा हाँ हाँ डॉक्टर को हर वक्त तुम्हारे पास बिठा कर रखूंगी अब तो चलो ना दीदी नहीं बहन तुम्हारे इतने कहने से मुझे आराम मिल गया दीदी ऐसे मालूम होता है कि तुम मुझसे नाराज हो नहीं री मैं क्यों नाराज होने लगी तुम खुश रहो यही मेरी तमन्ना है ओ मेरी अच्छी दीदी तुम्हें मेरी कसम चलो ना दीदी मेरी अच्छी दीदी अच्छा, चलो अच्छा। ना सीना लेना जाओ शाम पुया पढ़ू न सीना लेना जाओ शाम पुया पढ़ू ए मुन्नी बाबूजी के लिए चाय बनाओ चाय पी लेंगे नहीं फोकट रबड़ी भी खाओ हा? चक्का चक मलाई पड़ी है राजा ना 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 मैं सादा खाना खाता हूँ ये सब नहीं खाता मैं मैम सर चाय हाँ चाय पी लेंगे ए मुन्नी रेखा बिटिया के कमरे में पानी रखा थे ना नहीं रखा था अभी देख आती हूँ अरे तू कहाँ देखी हम ही देखाए थे तू बाबूजी के लिए चाय बना बाबू जी एक बात पूछो हाँ पूछो ये जो राम प्यारी है ना हाँ? वो क्या आपके घर वाले है क्या क्या कहा ये राम प्यारी मेरी घर वाली हरगिज नहीं 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 बाबूजी आप बुरा मत मानिए चाय पी लीजिए मुझे चाय नहीं चाहिए ले जाओ चाय पी लीजिए नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए चाय नहीं चाहिए आपसे ना ही पिए है हमारा राजा चल हट हम ही पिलाई है फोकट एक बात पूछूं पूछो
कुआरा। हाँ? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है देवी। चल हट। देवी कहे थे तो हम कल आ जाए थे। ये घर बसाए की तजवीज करे हैं हमरे संग। घर बसा के तुम्हारे साथ घर बसा के ना बाबा ना ना बाबा ना। फिर कोई मुस्कुराया
बिटिया, काहे वृथा जन्म गवा दी? ये कौन मर्दों का काम हुए थे का? लो, हम कर दे। नहीं, माफ करो राम प्यारी जी, हम ही करेंगे। अरे कभी बिना राम प्यारी भी तो कहो, जीभ रसीली हो जाए। माफ करना, आप जाइए इस कमरे से बाहर, जाइए। काहे हकालत हो, ये कौन रीत है प्यार प्रीत की? प्यार प्रीत की, प्यार प्रीत की रीत माफ करो, आप बाहर निकल जाओ। चंदा बिन रजनी रहो है का? चंदा में रहो? अच्छी तो हम चले। किसी आए के मिचकाए के जाए तो कहाँ? अब हमार इज्जत लिए चाहते हो? हाँ बाबा, हम अभी तो कह रहे थे लता बिटिया का। ना ना, लता बिटिया। अरे नहीं नहीं नहीं, लता नहीं नहीं, लता बिटिया। फोकट, हमार जीव तुहार ऊपर पसीज गयो है। हाँ? या तो सीधे सीधे लगन कर लो, नहीं तो हम जबरदस्ती तुहार घर में महरारू बन के रही। देख फोकट, हम बड़े बड़े सीधे कर लिए हैं, तू कौन जोग है? मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए ना। अरे आप आने के लिए आए हैं या जाने के लिए? जाने के लिए फिलहाल, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अर्जेंट केस है, शायद तमाम रात वहीं लग जाए। ये रही तुम्हारी दवाई, सोने से पहले पानी के साथ एक गोली ले लेना, कुछ दिन और एहतियात की जरूरत है। ये लो, भूलना नहीं। पहले कभी भूली हूँ, जो अब भूल जाऊंगी? एक बार भूली थी सिर्फ, जिंदगी ही बदल गई। मैं चलता हूँ। रेखा बेटे, रेखा बेटे। क्या बात है मामा? चलो बेटे अपने घर चले, चलो। क्यों? यहाँ मुझे कुछ डर लग रहा है बेटे, चलो उठो अपने घर चलो। नहीं मामा, यूं बिना बात के चले जाएंगे तो शंकर को कितना बुरा लगेगा, कम से कम उनका तो ख्याल करो। ये भी ठीक कह रही हो। अच्छा बेटे, तो मैं जाता हूँ। कहाँ मामा? कहीं भी जहाँ मुझे शांति मिले, काशी चला जाऊंगा, गंगा स्नान करने चला जाऊंगा बेटे। अच्छा मैं चला। अरे फिर कौन कहाँ जा रहा है? ए दीदी, मैं तो तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ लता, मामा काशी जा रहे हैं गंगा नहाने। ओ, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मामा जी, अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले लेना। नहीं नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मेरे पास खर्चे का पैसा है। अच्छा रेखा, मैं चला। ए दीदी, ये काशी जाना तो बहुत पुराना रिवाज है। ये तो अपना अपना विश्वास है लता। मेरा तो ये विश्वास है, मोहब्बत भरी नजर छू जाए तो शरीर कोमल हो जाता है। बस दीदी, अपना एक घर हो, मोहब्बत का बसेरा बना दे उसे, यही जन्नत है, यही जन्नत है। देखो ना दीदी, मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ। तुम सो जाओ, मैं जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट। दीदी, मेरा तो ये विश्वास है, मोहब्बत भरी नजर छू जाए तो शरीर कोमल हो जाता है। बस अपना एक घर हो, मोहब्बत का बसेरा बना दे उसे, यही जन्नत है। रेखा बिटिया के कमरे में पानी रख दिया है का? जी जी, अभी तो नहीं रखा। तो हार भेजा भी कौन माटी का बना है? जानत नहीं, रेखा बिटिया बीमार है बिचारी। अभी आई, ले जा ले जा, नहीं तो सो जाई है। अभी तक कोई उठा नहीं? नहीं हजूर। Thank you.
रेखा 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 बहुत देर हो गई है क्या? हाँ साढ़े आठ बजे। लता उठ गई? नहीं। आप चाय की टेबल पर बैठिए, मैं मुंह हाथ धोकर लता को लेकर आती हूँ। लेकिन जरा जल्दी, क्योंकि मुझे क्लिनिक भी जाना है। अच्छा। सॉरी डॉक्टर शंकर, वेरी वेरी सॉरी फॉर यू। ये तो जाहिर है एक पॉइजनिंग केस है। आई मस्ट रिपोर्ट टू द पुलिस। आपका मतलब है कि लता ने खुदकुशी की है? अब ये पता लगाना तो पुलिस का काम है डॉक्टर शंकर। आई एम सॉरी। योर ऑनर, इस मुकदमे के वाकयात बिल्कुल साफ और सीधे साधे हैं। ये मुकदमा है खून का, खून जो जानबूझकर सोच समझ के किया गया है। जैसे एक शतरंज का खिलाड़ी अपने शिकार को फांसने के लिए तरह तरह की चालें चलता है, जाल बुनता है, इसी तरह रेखा देवी ने अपनी शादीशुदा बहन मरहूमा लता देवी को खुदगर्जी का शिकार बनाने के लिए चालें चली, जाल बुने। मेरे गवाह इस बात की तस्दीक करेंगे कि रेखा देवी किस तरह हसद की आग में जल रही थी और फिर यही आग उसने किस तरह अपनी बहन के दामन में लगा दी और उसे कितनी बेरहमी से जहर देकर मार डाला। पुराना, सबसे पहले मैं मुलजिमा रेखा देवी से कुछ सवालात करना चाहता हूं। गीता पर हाथ रखे कहिए कि जो कुछ भी कहेंगी सच कहेंगी। जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी। रेखा देवी, क्या आप बता सकती हैं कि आप डॉक्टर शंकर को कब से जानती हैं? बचपन से। क्या ये सच है कि आप डॉक्टर शंकर से मोहब्बत करती थी? जवाब दीजिए। क्या ये सच है कि आप डॉक्टर शंकर से मोहब्बत करती थी और अब भी करती हैं? जी हाँ। क्या ये भी सच है कि डॉक्टर शंकर से आपकी शादी होने वाली थी लेकिन आपके बदले आपकी बहन लता देवी से हो गई? जी हाँ। शादी के बाद आपने क्या महसूस किया? आई ऑब्जेक्ट यूर ऑनर, इस सवाल का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। जब रेखा देवी ने मां के फैसले के सामने सर झुका दिया तो महसूस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। योर ऑनर, यह सवाल बहुत जरूरी है। मैं यही तो साबित करना चाहता हूं कि यह खून नाकामी मोहब्बत का नतीजा है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। जवाब दीजिए, शादी के बाद आपने क्या महसूस किया? जो एक बहन के लिए महसूस कर सकती है, मैं उसे अपना सब कुछ देकर खुश थी। जिस रात लता देवी को जहर दिया गया उस रात डॉक्टर शंकर कहां थे? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, लता को जहर दिया गया अब तक यह साबित नहीं हुआ। हो सकता है उसने खुदकशी की हो। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। सॉरी, तो लता की मौत की रात डॉक्टर शंकर कहां थे? हॉस्पिटल में। वो घर कब वापस आए? सुबह। लता की मौत हो चुकी है यह कब मालूम हुआ?
जब मैं नाश्ते के लिए उसे जगाने गई थी तब। तो नाश्ते के लिए जगाने के लिए रोज आप जाया करती थी? जी नहीं। तो फिर उस दिन क्यों गई? डॉक्टर शंकर ने मुझसे कहा था। ओ, तो रात भर बाहर रहने के बाद डॉक्टर शंकर सीधे आपके पास आए? जी हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, डॉक्टर शंकर सारी रात बाहर रहने के बाद अपनी बीवी के कमरे में नहीं गए बल्कि सीधे इनके कमरे में आए। दैट्स ऑल योर ऑनर। अगर मेरी फाजिल दोस्त कुछ सवाल करना चाहे तो कर सकती हैं। रेखा देवी, सुबह लता देवी को जगाने आप ही गई थी? जी हाँ। अच्छा तो ये बताइए, जगाया सोए हुए आदमी को जाता है या मरे हुए? सोए हुए। अच्छा अच्छा, तो आपको मालूम ही नहीं था कि वो मर चुकी है। एक बात और, जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर शंकर रात भर काम करने के बाद सीधे आपके पास आए, तो क्या वो रात को जाने से पहले भी आपके पास आए थे? जी हाँ। कोई खास बात होगी? जी, वो मुझे दवा देने के लिए आए थे। तो सुबह जब वो आपके कमरे में आए तब जरूर कोई खास बात होगी? जी, मेरा हाल पूछने के लिए आए थे। ये पॉइंट भी नोट किया जाए मेरे लॉर्ड, मिस्टर शंकर डॉक्टर है। अगर वो रात को अपने मरीज को दवा देकर के जाते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि वो सुबह आके अपने मरीज का हाल पूछे। दैट्स ऑल योर ऑनर। नेक्स्ट विटनेस। राम प्यारी वल्ल राम भरोसे हाजिर है। गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि जो कुछ कहोगी सच कहोगी। की उम्र में का झूठ बोलब? कसम खाओ जी। कसम असम छोड़ो बाबू, हम सौगंध खा के कहित है, हम जो कुछ कहित सच कहित, हम कभू झूठ नहीं बोले। राम प्यारी, तुम लता देवी के यहाँ कब से नौकरी कर रही हो? बस ये समझ लो बाबू, जब से घघरी उतार साड़ी पहन। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कितने बरस से नौकरी कर रही हो? हिसाब किताब तो हम जानत नहीं रहे बाबू, पर ये याद पड़त है कि दोनों छोकरियां पांच पांच बरस की रही। रेखा देवी से तुम्हारा कभी झगड़ा हुआ? कैसी बात बोले तो बाबू। यानी कभी झगड़ा नहीं हुआ? रेखा देवी का लता देवी से कभी झगड़ा हुआ? झगड़ा नहीं भवा तो का भवा, लता बिटिया की मौत का प्रेम प्यार का नतीजा भवा। ये झगड़ा किस बात पे होता था? शंकर बाबू, डॉक्टर शंकर की वजह से? क्यों? इतना भी नहीं जानत हो कि दुई जवान लड़कियां मां एक जवान छोकरे की बाबत काहे झगड़ा होते? डॉक्टर शंकर शादी किससे करना चाहते थे? जो नेक होए। तुम्हारा मतलब है कि रेखा देवी और लता देवी में डॉक्टर शंकर ने लता को ही अपनी धर्मपत्नी बनाना पसंद किया? लता बिटिया ही नेक रही बाबू। ये तुम कैसे कह सकती हो? अरे बाबू, लता बिटिया ये अच्छी तरह जानत रहीन कि उनकी बहन उनके मर्द पर लट्टू रहीन, लेकिन वही का गलियन में भूखी प्यासी मारी मारी फिरत देख अपने घर में उठा लाए। ऐसा खतरा तो अपनी सगी बहन भी नहीं मोल ले सकत। अब तुम ही बताओ इन दोनों में कौन नीक रहीन? अच्छा ये बताओ, शादी के बाद मरहुमा लता देवी बीमार रहती थी? अरे बाबू, जो एक मनपसंद मर्द मिले वो काहे को बीमार पड़े? बीमार तो पड़े वो जो दूसरे का सुख नहीं देख सके और जले। अच्छा, तो रेखा देवी की बीमारी की ये वजह थी? वकील बाबू, सपने तो महलों के देखे, अरे मस्तक में लिखी हो झोंपड़ी, वो तो ई दुख में मरी जाए। मरे का कोई और था और मर गया कोई और। That's all your honor. रामचारी, अभी तुमने बताया कि मरना किसी को चाहिए था और मर गया कोई और, क्या इसका मतलब ये नहीं कि रेखा को मरना चाहिए था और धोखे से लता मर गई? Objection, your honor. मेरे गवाह ने तो सिर्फ ये कहा था कि मरना किसी को चाहिए था और मर गया कोई और। इसका मतलब ये भी हो सकता है जहर किसी को देना चाहिए था और दिया गया किसी और को। That's your interpretation. Objection sustained.
अच्छा तो तुम्हारे इस बयान से क्या मतलब था? मतलब ई बहनी के बीमार रहीन रेखा अनि जो बीमार रही वही मरित। लता की शादी के बाद लता के साथ क्यों चली गई? जबकि शादी वाले दिन रेखा के माँ का देहांत हो गया। जी जवाब दो, अगर दोनों से बराबर प्यार था तो रेखा को दुख में छोड़कर लता के साथ क्यों चली गई? माँ जी मरत मरत कह गई रहीन के लता बिटिया का ध्यान रखियो, उन्हीं के आज्ञा का पालन करत रहीन आज तलक। अभी तुमने बताया कि रेखा और लता में झगड़ा हुआ करता था, ये बताओ झगड़े में पहल कौन किया करता था? सच्ची बात ही है कि लता बिटिया को तो स्वभाव ही झगड़ालू नहीं रहा। तो क्या रेखा अकेली ही झगड़ा किया करती थी? बिल्कुल। लता को जहर किसने दिया? रेखा ने। तुम रेखा पर इल्जाम लगा रही हो, ये तुम्हें साबित करना होगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इट्स द ड्यूटी ऑफ माय लर्नेड फ्रेंड टू प्रूव इट। ये साबित करना गवाह का काम नहीं है। योर ऑनर, ये औरत कोर्ट में कसम खाने के बाद भी झूठ बोल रही है। हम कही थे जहर रेखा दी है, रेखा दी है, अपने इश्कबाजी के लिए दी है। ये झूठ है, बकवास है। राम प्यारी रेखा पे इल्जाम लगा रही जो बिल्कुल बेबुनियाद है। मुझे कुछ कहने की इजाजत दी जाए। आपको जो कुछ कहना है कटहरे में आके कह सकते। थैंक यू योर ऑनर। आप गीता पर हाथ रख कर कहिए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं गीता पर हाथ रख के कहता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। योर ऑनर, जमाने की पाबंदियां, दुनिया के कानून इंसानी जज्बात को अगर दबाना चाहे भी तो नहीं दबा सकते। अदालत गवाहों की नजर से देखती है, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे भी होते हैं जो गवाहों की नजर से भी छुपे रहते हैं और सच होते हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं एक दम तोड़ते हुए इंसान को बचाना जितना मुश्किल है, एक जीते जागते इंसान को मारना उतना ही आसान है। आप क्या कहना चाहते हैं? वही जो कुछ हुआ, वही जो कुछ सच है। लता को जहर मैंने दिया है, लता को मैंने मारा है। योर ऑनर, ये झूठ बोल रहे हैं। ये साबित हो चुका है कि कत्ल की रात ये घर में नहीं थे, अस्पताल में थे। आप जो कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं भी जो कुछ कहने जा रहा हूं वो भी सच है। उस रात रेखा को दवाई देकर मैं हॉस्पिटल चला गया। आधी रात को मौका मिलते मैं फौरन घर आया, जिसका किसी को पता नहीं। मुद्दत से सुलगती हुई चिंगारी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी हमेशा चीखने और चिल्लाने वाली बीवी को जहर देकर खामोश कर दूं। यू ऑनर, मैंने लता से शादी जरूर की थी, मगर मैंने उसे अपनी बीवी कभी नहीं समझा, मुझे उससे नफरत थी। क्यों? यू ऑनर, लता ने ऐसी चाल चली कि मुझे मजबूरन उससे शादी करनी पड़ी। मेरी खुशियों के साथ साथ उसने उस घर के तिनके तिनके को जला दिया जिसमें पलकर वो बड़ी हुई थी। उस इंसानियत से ग्रह देखकर मेरी रग रग में नफरत भर गई। उसने मोहब्बत की लाश पर अपनी खुशियों का महल बनाया जो मेरे लिए जहन्नुम था, और जहन्नुम की आग में जलते रहना मुझे मंजूर नहीं था, इसलिए मैंने उसे जहर दिया। मैंने खून किया, खूनी मैं हूं, रेखा बेगुनाह है। ये झूठ है, ये झूठ है, ये मुझे बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पे ले रहे हैं। खून मैंने किया है, उन्हीं मैं हूं, उन्हीं मैं हूं। ये सच है कि मैंने लता की खुशी के लिए अपनी खुशियों का गला घोट दिया। मैंने खुद शंकर को लता के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया। लता की शादी के बाद मैं शंकर को भूल ना पाई थी कि लता मुझे अपने घर ले गई, उस घर में जो मेरा हो सकता था। उसी घर में रहकर मैं ये सोचने लगी कि लता इस घर की मालकिन बन गई जिसमें मेरा हक था। मैंने लता की खुशी के लिए हर दुख सहा, और अब लता हंसती तो मेरा दिल रोता। लता का घर बसे देखकर मैं जलने लगी, और यह जलन बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि मैंने लता को जहर देकर हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। अगर एक लड़की किसी की खुशी के लिए अपने अरमानों का खून कर सकती है, तो मैं आपसे ये पूछती हूं कि वही लड़की अपनी खुशी के लिए किसी का जान नहीं ले सकती? खून मैंने किया है, खून मैंने किया है, उन्हें मैं हूं, उन्हें मैं हूं। मैंने लता को जहर दिया, मैंने लता को जहर दिया, मैंने लता को जहर दिया, मैंने मारा, मैंने। योर ऑनर, मेरी फाजिल दोस्त ने अदालत में रात को दिन और दिन को रात साबित करने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरह ये सच है
कि लता देवी की मौत जहर से हुई, उसी तरह रेखा देवी के इकबाल जुर्म से ये बात सच साबित हो चुकी है कि लता देवी की मौत की जिम्मेदार खुद रेखा देवी है। एक बहन इस बात को कबूल कर चुकी है कि वो हसद की आग में जल रही थी और उसी जलन में उसने अपनी बहन को जहर देकर मार डाला ताकि उसकी मौत के बाद उसकी जायदाद पर उसके शौहर पर कब्जा कर सके। योर ऑनर, ऐसे इंसान जो महज अपनी खुशी के लिए किसी का खून कर दे वो समाज के लिए नासूर हैं, इंसानियत की इमारत के लिए घुन है। ऐसे इंसान किसी किस्म के रहम के मुस्तहिक नहीं होते। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुलजिमा रेखा को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी को इस किस्म का जुर्म करने की हिम्मत ना हो। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, केस के तमाम हालात कोर्ट के सामने हैं। दुनिया जुर्म से नफरत करती है और करना चाहिए, लेकिन नफरत करने से पहले हमें यह भी देखना चाहिए कि जुर्म किन हालात में किया गया। दुनिया में हर आदमी ना बिल्कुल अच्छा है ना बिल्कुल बुरा, लेकिन रेखा देवी की यह अच्छाई यकीनन तारीफ के काबिल है। अगर उसने गलती की है तो खुले दिल से यह गलती कबूल कर ली। अगर वो चाहती तो इनकार करके अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन रेखा देवी ने ऐसा नहीं किया। रेखा शुरू से ही ऐसी लड़की रही जो दूसरों को अपना सब कुछ देती रही और अपने लिए दूसरों से कुछ न ले सकी। लता को उसने अपने घर में पनाह दी, अपने बचपन के खिलौने दिए, अपनी मां का प्यार दिया, अपनी मोहब्बत दी, यहां तक कि अपना मिलने वाला सुहाग तक दे दी। योर ऑनर, मैं लता का कैरेक्टर पेश करना नहीं चाहती क्योंकि वो मर चुकी है। मैं इतना जरूर कहूंगी, उसने अपने बहन के जज्बात का खून जरूर किया है। एक जख्म खाया हुआ दिल बदला लेने पर आमादा हो जाए तो यह कुदरती बात है। मैं मानती हूं रेखा अपना सब कुछ लुटा देने के बाद भी गुनाहगार है, मगर सोचना यह है, रेखा ने जिसे अपना सब कुछ दे दिया क्या उसे वो जहर भी दे सकती है? रेखा का बयान है कि उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर शंकर झूठ बोल रहे हैं। मैं कहती हूं बिल्कुल उसी तरह डॉक्टर शंकर की जान बचाने के लिए रेखा झूठ बोल रही है। दरअसल जहर इन दोनों ने नहीं दिया, जहर देने वाला आदमी तीसरा ही है जिसका हमें अब तक इल्म नहीं। रेखा के इकरारी बयान के बावजूद मुकदमा जहां था वहीं अब भी है। किसी अनजाने कातिल के वजह से एक जान जा चुकी है, अब हम कानूनी मुश्किलों में फंसकर दूसरी जान लेना चाहते हैं जिसका हमें कोई हक नहीं। योर ऑनर, बदकिस्मत रेखा जो दुनिया को अपना सब कुछ दे देने के बावजूद भी अपनी जान भी देना चाहती है, अदालत से मेरी रिक्वेस्ट है कि रेखा के साथ हमदर्दी बरती जाए। अदालत की चार दीवारी में हर बेगुनाह हमदर्दी का हकदार है और कानून के मुताबिक हर आदमी बेगुनाह है जब तक कि इल्जाम बिना शक व शुबे के साबित न हो। रेखा देवी पर खून का इल्जाम बिना शक व शुबे के साबित नहीं हुआ, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए और बाइज्जत उन्हें रिहा कर दिया जाए। दैट्स ऑल। गाड़ी छोड़ दे जाएगा। काशी जा रही है? लेकिन इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ नहीं, गाड़ी छूटे जाता गाड़ी। ओ, 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 ओ। हाँ? गाड़ी छूटी जा रही। अरे अरे राम प्यारी, मैं ये कह रहा था कि रेखा बिटिया कैसी है? ऊपर वो कतवा चलता है, लता बिटिया को जहर दिए रहे। जहर? हाँ। किसने जहर दिया? रेखा ने। रेखा? हम जाए था, चाहे तो गाड़ी छूटे जाए तो गाड़ी छूटे। अरे सुन, तू कहाँ जा रही है? हाँ।
कोई बुला